नेक्स्ट अपन विजुअल स्टूडियो 2017 में ग्राफिकल कल स्टार्ट किया था, उसी को कंटिन्यू कर रहे हैं। तो मैंने विजुअल स्टूडियो 2017 को ओपन किया। इसके अंदर आपको फाइल मेन्यू में न्यू प्रोजेक्ट पे क्लिक करना है। यहाँ आपको प्रोजेक्ट का नाम देना है, चाहो तो आप पाथ भी सेलेक्ट कर सकते हो या टाइप कर सकते हो। और आपको यहाँ से सेलेक्ट करना है विंडोज फॉर्म्स ऐप, ये आपको ध्यान रखना है, विंडोज फॉर्म्स ऐप, और इसके बाद ओके पे क्लिक करना। तो ये विंडोज फॉर्म्स ऐप आ गई जो अपन ने कल डिस्कस करी थी। अब इसमें मैंने क्या किया, एक बटन प्लेस किया। बटन प्लेस करने के लिए मुझे क्या करना है, यहाँ बटन पे क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद माउस मैंने रिलीज किया हुआ है, फिर मैं माउस को बाहर लेकर जाऊंगा, फिर ड्रैग करके आप ड्रॉ कर सकते। तो ये बटन बन गया, बटन वन। इसी तरह से दूसरा बटन लिया मैंने वापस क्लिक करके, इसी तरह से तीसरा बटन लिया। तो मैंने ये तीन अलग अलग बटन बनाए, बटन वन, बटन टू, बटन थ्री। अब मुझे इनका बैक कलर चेंज करना हो तो मैं बटन को सेलेक्ट करूंगा। बैक कलर प्रॉपर्टी आपको यहाँ नीचे प्रॉपर्टीज विंडो जो दिख रही है ये वाली, इसके अंदर आपको बैक कलर प्रॉपर्टी दिखेगी। उस बैक कलर प्रॉपर्टी में जाके मैंने कलर चेंज कर दिया, जो भी कलर मुझे चाहिए था वो ले लिया। ऐसे ही बटन टू का भी ले लिया और ऐसे ही बटन वन का भी कर। तो तीनों बटन्स का अभी मैंने बैक कलर चेंज करा। अभी तीनों बटन्स का साइज जो है ना वो अलग अलग है, विड्थ और हाइट अलग अलग। अब मुझे अगर सारे बटन्स की विड्थ और हाइट सेम चाहिए तो एक तरीका तो यह है कि मैं सेम करूं उसकी प्रॉपर्टीज विंडो में जाके या खुद ड्रैग करके। दूसरा अपने पास क्या ऑप्शन है वो ध्यान से देखो आप लोग। मैंने तीनों बटन्स को सेलेक्ट कर लिया कंट्रोल प्रेस करके। अब मैं फॉर्मेट में जाऊंगा, मेक सेम साइज। अब मुझे अगर उनकी विड्थ सेम करनी है तो विड्थ सेलेक्ट करूंगा सबकी, हाइट सेम करनी है तो हाइट सेलेक्ट करूंगा। जैसे मैंने अभी सेलेक्ट कर लिया मेक सेम साइज हाइट, तो सबकी हाइट सेम हो गई। अब सेम तो मतलब कौन से वाले के अकॉर्डिंग हुई है, तीनों की हाइट तो अलग अलग थी, अब सेम किसके अकॉर्डिंग हुई है वो अपन देखें। वापस से मैंने बटन वन को सेलेक्ट किया, फिर बटन टू को सेलेक्ट किया कंट्रोल प्रेस करके, फिर बटन थ्री को सेलेक्ट किया। अभी अब मैंने क्या किया, फॉर्मेट में मेक सेम साइज बोथ, तो सबकी विड्थ और हाइट बटन वन के अकॉर्डिंग हुई। अब ये किसके अकॉर्डिंग होगी वो कैसे पता लगेगा, आप यहां देखोगे तो बटन वन के चारों तरफ जो हाइलाइटेड है ना वो व्हाइट कलर के हैं, ये व्हाइट कलर के हैं, जबकि बटन टू के और बटन थ्री के चारों तरफ जो हाइलाइट हो रखा है वो कौन से कलर में हो रखा है, ब्लैक कलर में हो रखा है। अब मैंने क्या किया, अब मैंने बटन वन को सेलेक्ट किया, फिर बटन टू को कंट्रोल प्रेस करके, फिर बटन थ्री को। तो अभी बटन वन के अकॉर्डिंग होगा सब कुछ क्योंकि बटन वन व्हाइट कलर में हाइलाइटेड। अब मैंने बटन थ्री पे वापस क्लिक कर दिया कंट्रोल प्रेस करके, तो बटन थ्री डीसेलेक्ट हो जाएगा। तो डीसेलेक्ट करना हो या सेलेक्ट करना हो वो इस तरीके से अपन कर सकते हैं। तो इस तरीके से अपन कंपोनेंट्स की विड्थ और हाइट सेम सेट कर सकते हैं। इसी तरह से फॉर्मेट पे क्लिक किया मैंने, अलाइन लेफ्ट, तो सबके लेफ्ट अलाइन हो जाएंगे, मतलब सब एक सबका अलाइनमेंट लेफ्ट अलाइनमेंट एक जैसा हो जाए। फिर मैंने फॉर्मेट में मेक अलाइन में, अलाइन से पहले मैंने मेक सेम साइज में बोथ कर दिया, तो सबकी विड्थ और हाइट सेम हो गई और अलाइन तो मैंने कर ही दिया था इनको पहले ही। तो आपके पास ऑप्शन होते हैं अलाइनमेंट करने के, जो
जो भी अगर एक से ज्यादा सेलेक्टेड है तो फॉर्मेट में अलाइनमेंट आपको अलाइनमेंट लेफ्ट करना है, सबके लेफ्ट सेम होने चाहिए, सेंटर सेम होने चाहिए, राइट सेम होने चाहिए, ऐसे ही मेक सेम साइज में विड्थ हाइट या दोनों चीजें आपको बराबर करनी हो तो वो अपन यहां से सेट कर सकते हैं। अब जैसे आपने पूरा इंटरफेस डिजाइन कर दिया, एक फॉर्म बना लिया जिसमें लेबल, टेक्स्ट बॉक्स, बटन, ऐसी सारी चीजें आपने प्लेस कर दी। अब सारी चीजें प्लेस करने के बाद मान लो आपने फॉर्म को ओपन किया और गलती से आपने इसको ड्रैग कर दिया, तो आपका इंटरफेस जो है इंटरफेस की डिजाइन ही खराब हो जाएगी। अब अगर आप चाहते हो कि आपने इंटरफेस डिजाइन कर लिया है, अब इसके किसी भी कॉम्पोनेंट को मूव नहीं किया जा सके, तो उस केस में अपन क्या कर सकते हैं, फॉर्मेट मेन्यू में जाके लॉक कंट्रोल्स, लॉक कंट्रोल कर दिया। अब लॉक कंट्रोल करते ही यहाँ पे लॉक का साइन आ गया। आप देखोगे जो भी बटन 3 अभी सेलेक्टेड है तो बटन 3 के ऊपर लॉक वाला साइन आ गया, फिर बटन 2 पे मैंने क्लिक किया तो बटन 2 के साइड में ये लॉक का साइन आ गया छोटा सा। अब अगर मैं इसको मूव करना चाहूंगा ड्रैग करके तो ये मूव नहीं होंगे, ना इनके साइज चेंज होंगे। तो जब आपने अपना इंटरफेस पूरा डिजाइन कर लिया है उसके बाद आपको लॉक कंट्रोल्स कर देना चाहिए, जिससे कि आप गलती से भी इंटरफेस के कॉम्पोनेंट्स को मूव या रिसाइज नहीं कर सको। अब मान लो मुझे कुछ इंटरफेस में चेंज करना है, मैंने लॉक तो कर दिया, अब इंटरफेस में मुझे चेंजेस करना है तो फॉर्मेट में वापस से लॉक कंट्रोल्स पे क्लिक करो तो ये अनलॉक हो जाएंगे, अब आप इनको मूव कर सकते हो। तो लॉक कंट्रोल्स पे एक बार क्लिक करने पे लॉक हो जाएंगे, दूसरी बार क्लिक करने पे अनलॉक हो जाएंगे। ऐसे ही अगर मुझे ये कॉम्पोनेंट प्लेस रहे इस तरह से, मैं चाहता हूं कि ये टॉप अलाइन हो जाए सारे, सबका टॉप एक ही हो, तो मैं सबको सेलेक्ट करूंगा और फॉर्मेट में अलाइन में टॉप्स, तब आप देखोगे तो सबके टॉप अलाइन हो गए। अब मुझे इनका साइज सेम करना है, फॉर्मेट मेक सेम साइज बोथ, तो विड्थ और हाइट भी सेम हो गई, तो आपको अलाइनमेंट वगैरह आप यहाँ से सेट कर सकते हो, और सबका साइज सेम करना हो तो यहाँ से कर सकते हो। फॉर्मेट सेंटर इन फॉर्म हॉरिजॉन्टली, हॉरिजॉन्टली फॉर्म के सेंटर में आ गए, जैसे सिंगल कंपोनेंट के साथ मैं बता रहा हूं, बटन 1 को मैंने ऊपर प्लेस कर दिया, अब फॉर्मेट में जाके सेंटर इन फॉर्म हॉरिजॉन्टली, तो ये हॉरिजॉन्टली सेंटर में आ गया। हॉरिजॉन्टल क्या होता है वो आपको पता ही है, ये हॉरिजॉन्टली मतलब इस तरीके से। अब मुझे इस तरीके से भी सेंटर में चाहिए तो अपन क्या करेंगे, फॉर्मेट सेंटर इन फॉर्म वर्टिकली, अब ये वर्टिकली भी सेंटर में आएंगे, तो फॉर्मेट में सेंटर इन फॉर्म में आप हॉरिजॉन्टली और वर्टिकली इसको फॉर्म के सेंटर में कर सकते हो किसी भी कॉम्पोनेंट को। तो इस तरीके से अपन कुछ फॉर्मेटिंग कर सकते हैं और इंटरफेस डिजाइन कर सकते हैं इजीली। अब मुझे इंटरफेस डिजाइन करना है जिसमें मुझे क्या करना है, num1 num2 दो लेबल हो, उनके सामने दो टेक्स्ट बॉक्स, और एक सम नाम का लेबल हो उसके सामने एक टेक्स्ट बॉक्स, और दो बटन्स हो, तो टोटल मुझे 3 लेबल, 3 टेक्स्ट बॉक्स और 2 बटन चाहिए। अब एक तरीका तो यह है मैं एक एक को ड्रैग करके बनाऊं, दूसरा तरीका थोड़ा फास्ट, मैं लेबल पे डबल क्लिक कर दूं, 3 बार लेबल पे डबल क्लिक किया तो 3 लेबल आ गए। अब मैं इन लेबल को उठा के ड्रैग करके इधर रख, तो ये लेबल 1 लेबल 2 और लेबल 3 आ गए, 3 लेबल्स। अब इनके सामने 3 टेक्स्ट बॉक्स रखने हैं, तो मैं टूल बॉक्स में से ड्रैग करके ये जो टेक्स्ट बॉक्स आप देख रहे हो लेफ्ट साइड में जो टूल बॉक्स है, टेक्स्ट बॉक्स पे 3 बार डबल क्लिक करूं तो 3 टेक्स्ट बॉक्स आ जाए। अब इन टेक्स्ट बॉक्सेस को उठा के मैं लेबल्स के सामने रखूं। अब मुझे 2 बटन चाहिए, तो मैं बटन पे 2 बार डबल क्लिक करूं तो 2 बटन आ गए। अब मैं बटन्स को ड्रैग करके प्लेस करूं तो ये मेरा इंटरफेस डिजाइन हो गया। अब मैंने लेबल 1 को सेलेक्ट किया, अभी लेबल 1 सेलेक्टेड है,
अब लेवल वन सेलेक्ट करने के बाद ये जो नीचे प्रॉपर्टीज विंडो दिख रही है इसके अंदर इस लेवल की प्रॉपर्टीज आएंगी। तो मैंने इसकी टेक्स्ट प्रॉपर्टी में जाके दिया एंटर फर्स्ट नंबर और एंटर प्रेस कर दिया, तो इस लेवल पे एंटर फर्स्ट नंबर लिखा हुआ है। फिर मैंने क्या किया, दूसरे लेवल पे क्लिक किया और टेक्स्ट प्रॉपर्टी में आके टाइप कर दिया एंटर सेकंड नंबर और एंटर प्रेस कर दिया, तो इस लेवल के ऊपर एंटर सेकंड नंबर लिखा हुआ आ गया। अब मैं बार बार यहां पे लेवल पे क्लिक करूं फिर यहां जाऊं, तो मैं क्या कर सकता हूं, प्रॉपर्टीज विंडो में जहां प्रॉपर्टीज लिखा हुआ है उसके नीचे लेवल टू लिखा हुआ आ रहा है। अब जब मैं इसके साइड में बिल्कुल राइट साइड में एक ड्रॉप डाउन बटन है, उस ड्रॉप डाउन बटन पे क्लिक करेंगे तो जितने भी कंपोनेंट्स अपने फॉर्म पे प्लेस्ड हैं उन सबके नाम आ जाए। उसमें से मैं लेवल थ्री को सेलेक्ट करूं और इसकी टेक्स्ट प्रॉपर्टी में जाके दे दूं सम इज, तो अपन डायरेक्टली प्रॉपर्टीज विंडो में भी जाके किसी कंपोनेंट को सेलेक्ट कर सकते हैं। जैसे मैंने टेक्स्ट बॉक्स वन को सेलेक्ट किया इधर, तो आप देखोगे यहाँ पे टेक्स्ट बॉक्स वन अपने आप सेलेक्ट हो गया। इसी तरह से अगर मैं यहाँ बटन वन पे क्लिक करता हूं तो अब आप देखोगे कि बटन वन अपने आप सेलेक्ट हो गया। तो अपन चाहें तो सेलेक्ट प्रॉपर्टीज विंडो में भी कर सकते हैं और फिर उस कंपोनेंट की प्रॉपर्टीज सेट कर सकते हैं। फिर मैंने यहाँ बटन वन पे क्लिक किया, बटन वन सेलेक्ट हो गया, इसके टेक्स्ट प्रॉपर्टी में जाके मैंने दे दिया शो प्रॉपर्टीज विंडो। प्रॉपर्टीज विंडो राइट में बॉटम में आती है। फिर सेकंड वाले बटन टू को सेलेक्ट किया, इसके टेक्स्ट में दे दिया क्लियर, तो इसके ऊपर क्लियर लिखा हुआ। अब मुझे क्या करना है, इन बटन्स के नेम भी देने हैं, तो मैं फर्स्ट वाले बटन को सेलेक्ट करूंगा शो वाले को, और प्रॉपर्टीज विंडो में ऊपर ऊपर मुझे नेम प्रॉपर्टी दिखेगी। नेम में अपन यहाँ पे क्या करेंगे, बीटीएन शो, बटन के नाम आपको बीटीएन से स्टार्ट करने चाहिए। फिर सेकेंड वाले बटन को सेलेक्ट किया, इसके नेम प्रॉपर्टी में जाके मैंने दिया बीटीएन क्लियर। इसी तरह से मैं लेवल के भी नाम दे सकता हूँ, लेवल के नाम देने की जब मेरे को जरूरत नहीं है क्योंकि अभी ये कहीं काम नहीं आ रहे, टेक्स्ट बॉक्स के नाम देने हैं मुझे, तो फर्स्ट टेक्स्ट बॉक्स को सेलेक्ट किया, अभी इसका नेम है टेक्स्ट बॉक्स वन। बाय डिफॉल्ट भी नेम होते ही है सबके, बटन के नाम, बटन के नाम होते हैं बटन वन, बटन टू, बटन थ्री। लेवल के नेम होते हैं लेवल वन, लेवल टू, लेवल थ्री। टेक्स्ट बॉक्स के नेम होते हैं टेक्स्ट बॉक्स वन, टेक्स्ट बॉक्स टू, टेक्स्ट बॉक्स थ्री। तो मैंने इस टेक्स्ट बॉक्स का नाम दिया TXT num one और एंटर प्रेस किया। फिर दूसरे टेक्स्ट बॉक्स को सेलेक्ट किया, इसका नाम दिया TXT num two। फिर तीसरे टेक्स्ट बॉक्स को सेलेक्ट किया, इसका नाम दिया TXT sum। तो टेक्स्ट बॉक्स के नाम आपको TXT से स्टार्ट करने चाहिए, बटन के BTN से स्टार्ट करने चाहिए, लेबल के LBL से स्टार्ट करने चाहिए। तो ये मैंने सारे कंपोनेंट्स के नाम दिए हैं। नेक्स्ट अब मुझे इनकी फॉर्मेटिंग करनी हो तो मैंने तीनों लेवल्स को सेलेक्ट कर लिया। इसकी जो भी आपको फॉर्मेटिंग करनी हो वो आप फॉर्मेटिंग कर सकते हो। जैसे मैंने बैक कलर प्रॉपर्टी सेलेक्ट करी और तीनों इसका बैक कलर अपना अपन ने फॉर्म का बैक कलर चेंज कर दिया। अब इसी तरह से अपन बाकी प्रॉपर्टीज भी चेंज कर सकते हैं। जैसे मैंने ये जो तीनों टेक्स्ट बॉक्सेस हैं इनको मैंने ड्रैग करके थोड़ा दूर कर दिया और जो लेबल्स हैं उनके फॉन्ट चेंज कर दिया मैंने, जिससे कि बड़े फॉन्ट साइज में दिखाई दें ये। तो उस केस में आपको क्या करना पड़ेगा, टेक्स्ट बॉक्सेस की लोकेशन चेंज करनी पड़ेगी।
तो मैंने टेक्स्ट बॉक्सेस की लोकेशन चेंज करी और फिर फॉन्ट इस पे अप्लाई किया बिल्कुल जैसे अपन ने कल किया था। अब मुझे क्या करना है, लेबल और टेक्स्ट बॉक्सेस का साइज मुझे सेम करना है तो, और बटन्स का भी। तो मैंने सारे कंपोनेंट्स को सेलेक्ट किया, फॉर्मेट में जाके मेक सेम साइज और बोथ कर दिया मैंने, तो ये सबका साइज सेम हो गया। अब इसके बाद में मैंने क्या किया, क्लियर बटन को ड्रैग करके इधर कर लिया, तो अब ये इंटरफेस थोड़ा अच्छा दिख रहा है। इसके बाद मेरा इंटरफेस तो डिजाइन हो ही गया है, अब मैं क्या करूंगा, जो फॉर्म आप देख रहे हो, फॉर्म के बिल्कुल राइट कॉर्नर में आके ड्रैग करके फॉर्म का साइज छोटा कर दिया, जितने उस पर कॉम्पोनेंट्स है उतना ही मैंने फॉर्म का साइज कर दिया। अब मुझे क्या करना है, एक और लेबल लिया मैंने इसके बाद में, लेबल पे डबल क्लिक करके उसको मैं सेंटर में लेके आ गया यहां ड्रैग करके, और यहां पे मैंने दिया इसके टेक्स्ट प्रॉपर्टी में कैलकुलेशन और एंटर प्रेस किया तो इस पे कैलकुलेशन लिखा हुआ आ गया। फिर मैंने क्या किया, फॉन्ट प्रॉपर्टी में जाके इसका फॉन्ट चेंज कर दिया और ओके पे क्लिक किया। फिर इसके बाद में इसका फोर कलर चेंज करना है तो फोर कलर प्रॉपर्टी में जाके मैंने इसका फोर कलर चेंज कर दिया। फिर अब मुझे क्या करना है कि ये हॉरिजॉन्टली सेंटर में आना चाहिए, तो फॉर्मेट के अंदर अपन इसको सेलेक्ट किया मैंने, फॉर्मेट के अंदर जाके सेंटर इन फॉर्म हॉरिजॉन्टली, अब ये हॉरिजॉन्टली सेंटर में आ गया। अभी ऊपर अगर आप देखोगे तो यहाँ फॉर्म पे तो फॉर्म वन लिखा हुआ ही आ रहा है, अब मुझे क्या करना है, इस फॉर्म वन की जगह कुछ और लिखा हुआ चाहिए। जैसे अपने प्रोजेक्ट में मल्टीपल फॉर्म हो सकते हैं, एक स्टूडेंट की एंट्री का फॉर्म, एक टीचर की एंट्री का फॉर्म, एक लाइब्रेरी बुक की एंट्री का फॉर्म, तो फॉर्म के टाइटल बार पे आपको क्या लिखा हुआ चाहिए वो चेंज करना हो तो फॉर्म की टाइटल बार पे क्लिक करेंगे। टाइटल बार पे क्लिक करने के बाद में आप देखोगे तो प्रॉपर्टीज विंडो में यहाँ पे अब फॉर्म वन सेलेक्टेड है। अब फॉर्म वन की टेक्स्ट प्रॉपर्टी में जाके मैंने यहां दे दिया एडिशन फॉर्म, एडिशन का काम कर रहा है तो मैंने यहां दे दिया एडिशन फॉर्म और एंटर प्रेस कर दिया, तो फॉर्म के टेक्स्ट में मैंने एडिशन फॉर्म दिया तो वो यहाँ ऊपर टॉप लेफ्ट के अंदर डिस्प्ले हो गया। अब मैंने इसको रन कर दिया, रन करने के लिए सबसे सिंपल आप F5 की प्रेस करो या स्टार्ट बटन पे क्लिक कर दो, जो भी आप करना चाहो दोनों में से। अब इसमें मैसेज दे रहा है देयर वर बिल्ड एरर्स, तो इसमें अगर कुछ एरर्स होंगे तो ये एरर्स की लिस्टिंग आपको नीचे दे देगा, उस केस में ये रन नहीं होगा। तो अपने केस में आप एरर्स को रिमूव करो, एरर्स को रिमूव करने के बाद में जब आप रन करोगे F5 की प्रेस करके तो रन हो जाए। अब ये रन हो रहा है, इसमें कुछ टाइम लगेगा, ये आपसे कंफर्मेशन पूछेगा, यहाँ पे एंटीवायरस सॉफ्टवेयर इंस्टॉल होगा तो डू नॉट रिमाइंड मी अगेन और अलाउ पे क्लिक कर दो। अब ये अपना रन हो गया प्रोग्राम। अब रन होने के बाद में मैंने विजुअल स्टूडियो को मिनिमाइज कर दिया, ये सामने रन हो रखा है, एडिशन फॉर्म लिखा हुआ आ रहा है ऊपर, कैलकुलेशन सेंटर में आ रहा है, एंटर फर्स्ट नंबर, एंटर सेकंड नंबर और सम, ये तीन चीजें हैं इसमें। अगर मैं चाहूं तो यहां से मैं ड्रैग करूं तो फॉर्म का साइज इंक्रीज भी कर सकता हूं, जैसा कि आप देख रहे हो मैंने यहां किया रन टाइम पे, और मैं चाहूं तो डिक्रीज भी कर सकता हूं।
जैसा कि आप यहां देख रहे हो मैंने डिक्रीज कर दिया, तो रन टाइम पे अपन फॉर्म का साइज इंक्रीज और डिक्रीज कर सकते हैं इस तरीके से। अगर मैं चाहूं तो मैक्सिमाइज भी कर सकता हूं, मैक्सिमाइज बटन पे क्लिक करके वापस मैं रिस्टोर भी कर सकता हूं, मिनिमाइज भी कर सकता हूं, और क्लोज बटन पे क्लिक करूंगा तो क्लोज भी हो जाएगा। अब मैंने यहां फर्स्ट नंबर दिया 45, सेकंड नंबर दिया 10 और शो पे क्लिक किया तो सम तो आया ही नहीं क्योंकि सम अभी तक अपन ने किया नहीं है। क्लियर बटन पे क्लिक किया तो क्लियर भी नहीं होगा क्योंकि इसकी कोडिंग मैंने नहीं लिखी। तो ये सिर्फ इंटरफेस डिजाइन हुआ है और फॉर्म के टाइटल बार पे एड्रेस एडिशन फॉर्म लिखा हुआ आ रहा है। और जब मैं यहाँ पे क्लिक करूंगा एडिशन फॉर्म पे, उसके बाद मैं ऑल्ट के साथ में या सिर्फ सिंपल स्पेस बार और ऑल्ट प्रेस करूंगा तो ये विंडो मेन्यू एक्टिवेट हो जाएगा। इसमें मूव, साइज, मिनिमाइज, मैक्सिमाइज और क्लोज बटन्स आएंगे। ये जब अपन इस आइकन पे क्लिक करते हैं, आइकन भी आ रहा है एक साइड में, आइकन पे क्लिक करने पे भी ये मेन्यू ओपन हो जाता है। और वैसे अगर अपन कीबोर्ड से चाहें तो ऑल्ट के साथ में स्पेस बार प्रेस कर दो तो ये मेन्यू एक्टिवेट हो जाता है। क्लोज बटन पे क्लिक करूंगा तो ये क्लोज हो जाएगा और वापस अपना फोकस किस पे आ जाएगा, विजुअल स्टूडियो। अब मुझे इसकी कोडिंग करनी है तो शो बटन पे क्लिक करने पे कुछ होना चाहिए, ये मुझे कोड लिखना है तो मैं शो बटन पे डबल क्लिक करूंगा। डबल क्लिक करते ही ये इसकी कोडिंग ओपन होगी। अब यहां जो भी जहां पे भी आपका इंसर्शन पॉइंट ब्लिंक कर रहा है वहां पे आपको बटन की कोडिंग करनी। तो कोडिंग करने के लिए मैंने डबल क्लिक किया शो बटन पर, एक सबको विजिबल है ये फॉन्ट साइज। तो ये फॉन्ट अपन टूल्स में जाके ऑप्शंस पे क्लिक करते हैं, यहाँ पे आपको फॉन्ट्स एंड कलर्स मिलेगा, यहाँ से जाके आप फॉन्ट और कलर चेंज कर सकते हो, जो भी फॉन्ट चाहिए और जो भी कलर चाहिए, और फिर उसके बाद ओके पे क्लिक कर दो। अब यहाँ पे ये कोड लिखा हुआ आया प्राइवेट सब btn शो अंडरस्कोर क्लिक, ये अपने आप लिखा हुआ है जैसे आपने शो बटन पर डबल क्लिक किया। प्राइवेट सब btn शो अंडरस्कोर क्लिक, इसके दो आर्ग्यूमेंट है, सेंडर एज ऑब्जेक्ट, ई एज इवेंट आर्ग्स। तो ये और इसके लास्ट में अपने आप लिखा हुआ आ रहा है हैंडल्स btn शो डॉट क्लिक। तो ये अपन सारा डिटेल में समझेंगे क्या होता है। आज तो फर्स्ट प्रोग्राम है तो आपको क्या करना है, सिंपल सा ध्यान रखना है कि जब मैं शो बटन पर डबल क्लिक करूंगा तो जो भी जहां पे भी इंसर्शन पॉइंट आया वहां आपको शो बटन की कोडिंग करनी। अब वो कोडिंग क्या होगी, मुझे क्या करना है, दोनों टेक्स्ट बॉक्स की वैल्यू लेनी है, उनका सम करना है और तीसरे टेक्स्ट बॉक्स में डिस्प्ले करना है। तो मैंने यहां डिक्लेयर किया dim ans as integer, ans वेरिएबल डिक्लेयर किया इंटीजर टाइप का। अब ans में मुझे क्या करना है, दोनों टेक्स्ट बॉक्स का सम चाहिए, ans इक्वल टू val या ans इक्वल टू cint, इंटीजर में कन्वर्ट करेगा किसको, txt num1 dot text, txt num1 dot text plus cint of txt num2 dot text। तो ans में क्या आया, txt num1 को int में कन्वर्ट कर दिया, txt num2 को int में कन्वर्ट कर दिया और उनको प्लस करके ans में असाइन कर दिया। फिर इसको स्टोर किस में करना है, अपने को ans को डिस्प्ले किस में करना है, txt sum में। तो txt sum dot text equal to ans। अब मैं इसको रन करता हूं स्टार्ट बटन पे क्लिक करके,
अलाउ पे क्लिक करेंगे। अब आप यहां देखो ये रन हुआ, फर्स्ट नंबर दिया 10, सेकंड नंबर दिया 22, शो पे क्लिक किया, रिजल्ट आ गया 32। 10 की जगह मैंने 100 किया, 221 किया और शो पे क्लिक किया तो आंसर आ गया 321। इसके बाद मैंने क्या किया, क्लियर पे क्लिक किया तो कुछ भी नहीं होगा। अब मैं ये चाहता हूं कि क्लियर पे क्लिक करने पे सारे टेक्स्ट बॉक्सेस क्लियर हो जाएं, तो वो अपन देखते हैं कैसे करेंगे। उसके लिए आपको क्या करना है, फॉर्म की डिजाइनिंग में क्लियर बटन पे डबल क्लिक करो, इससे क्लियर की कोडिंग ओपन होगी। यहां मुझे तीनों टेक्स्ट बॉक्सेस को क्लियर करना है तो मैं लिखूंगा txt num1 डॉट टेक्स्ट इक्वल टू डबल कोट्स ओपन क्लोज, इसी तरह से txt num2 डॉट टेक्स्ट इक्वल टू डबल कोट्स ओपन क्लोज और txt sum डॉट टेक्स्ट इक्वल टू डबल कोट्स ओपन क्लोज। अब मैं इसको रन करता हूं, रन करने के बाद में अब मैं लिखता हूं पहला नंबर 33 और दूसरा 34 और शो पे क्लिक करूंगा तो इसका सम आएगा, क्लियर पे क्लिक करूंगा तो सारे टेक्स्ट बॉक्सेस क्लियर हो जाएंगे। फर्स्ट नंबर में अगर मैंने ABCD लिख दिया और सेकंड नंबर में भी ABCD लिख दिया, अब शो पे क्लिक करेंगे तो एरर आएगा क्योंकि ये ABCD को इंट में कन्वर्ट नहीं कर सकता है।